नमस्कार, मैं अनुपमा झा, A1 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के ITO में स्थित प्यारे लाल भवन में मोहित अरोरा के द्वारा दिल्ली के हैंडसम और ब्यूटी के दूसरे सीजन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के कोने कोने से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देखिए A1 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। प्यारे लाल भवन में हुए इस कार्यक्रम में उत्तरी दिल्ली के पूर्व मेयर रविंदर गुप्ता और मुस्कान के मेमोरियल ट्रस्ट की निर्देशक अर्पिता बंसल को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में छोटे पर्दे के कलाकार अर्जुन कुमार, वॉइस ऑफ पंजाब की फाइनलिस्ट नवजोत कौर ने कार्यक्रम में अपने सुरों से चार चांद लगा दिए। साथ ही इस कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अहम मुद्दा बनाकर छोटी नन्ही बच्चियों ने बेटी बचाओ पर कविता गाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की। वहीं पूर्व मेयर रविंदर ने हिंदुस्तान के युवाओं के मनोबल की सराहना करते हुए उन्हें देश का भविष्य बताया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए PM मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो मोदी की तरह नहीं बन सकते। साथ ही देश के सेना की भी तारीफ करते हुए कहा कि सेना को थोड़ी सी राजनीतिक इच्छा शक्ति मिली तो सेना ने अपने उरी हमले का बदला LOC पार जाकर ले लिया। झारखंड में चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर काम करने वाली अर्पिता और इस कार्यक्रम के आयोजक मोहित अरोरा से भी हमारी A1 न्यूज की टीम ने खास बातचीत की। एक्चुअली ये फैशन शो के साथ एक कॉज जुड़ा हुआ था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और मैं जनवरी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर झारखंड में वर्क कर रही हूँ। अगर आप इस बात को जानते हैं कि झारखंड इंडिया की नंबर वन स्टेट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जहाँ से लड़कियों को बड़े शहरों में लेके बेचा जाता है। इसकी जो रूट कॉज है वो पॉवर्टी है। एक रिचर स्टेट होने के बावजूद उनके पास खाने को खाना नहीं है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई है जो मेन है वहाँ पर। इस वजह से मैं जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए मैं गांव-गांव घूम रही थी तो एक गांव आया लालगुटुआ, जहाँ मैं गई और जहाँ मैंने देखा ना वहाँ पे टॉयलेट है ना फ्रेश वाटर है। जहाँ जानवर नहा रहे हैं वहीं वो लोग नहा रहे हैं। मैंने अभी 4 सितंबर को वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया और मेरा अब ये मिशन है कि इन बच्चियों को सबको बचाना है और लालगुटुआ में सबसे पहले मुझे टॉयलेट्स बनवाने हैं। मैं सबसे पहले वहाँ पे कम्युनिटी टॉयलेट बनाऊंगी। दिवाली के बाद का ये मेरा मिशन है। वो हमारा फैशन शो ऑर्गेनाइज करने का मकसद था, वो बेसिकली क्या है कि एक हम लोग अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं सबको, सबके लिए एक मतलब एक वेल सेटल लाइफ करना चाहते हैं। उनके लिए हम चाहते हैं कि सबको एक बेटर प्लेटफॉर्म मिले। उसके साथ साथ हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट किया है। मैं चाहता हूँ मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, काफी सारे NGOs मेरे साथ काम कर रहे हैं। PM मोदी के द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का असर अब पूरे देश भर में दिखने लगा है। इसी के तहत मोहित अरोरा ने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, वो सराहनीय है। साथ ही हम आशा करते हैं इसका असर आगे भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट A1 न्यूज़।